अच्छा मुझे एक ये वाला आर्टिकल पसंद आया, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसका स्टफ जो है ना वो है रेशमी स्टफ। अब गर्मियों में ये मुझसे पहना नहीं जाएगा वरना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है, कलर इतना अच्छा है। मैंने इसको ट्राई इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर इन्होंने लॉन का कपड़ा लगाया हुआ, बड़े लाइट फैब्रिक होता है ना वो लगाया हुआ है। ऊपर से ये रेशमी है, अंदर से ये लॉन कहते हैं, ये चल सकता है। इसके साथ कंट्रास्ट किस चीज का करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो ये वाला ड्रेस है, लेकिन इसका कपड़ा भी रेशमी रेशमी है। मैं कैसे इतनी गर्मी में इसको पहनूंगी। अच्छा जो स्किन वाला, उसके साथ कंट्रास्ट करती हूँ, देखती हूँ टाइट्स लू ट्राउजर लू, उसके साथ क्या लू। अगर कुछ समझ ना आया तो इसको डन कराते हैं। मैंने ना स्किन वाला डन कर लिया क्योंकि स्किन वाले का फैब्रिक थोड़ा सा सॉफ्ट है। उसके अलावा जो दूसरे फैब्रिक है वो रेशमी है। मुझसे गर्मियों में तो ये सूट यूज नहीं होना, ये पड़ा रहेगा फिर सर्दियों में काम आएगा, तो बेहतर है मैं वो ले लूँ जो मैं अभी फिलहाल पहन सकती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने ड्रेस ले लिया, अब मैं जाऊंगी शूज लेने, इसके साथ मैच करती हूँ कि क्या चलेगा, और बस फिर जाना है सैलून। और ड्रेस के साथ कुछ मैच करने के लिए घर पे मेरे पास उसके साथ का कुछ पड़ा नहीं हुआ, मेरे पास ब्लैक में पड़ी हुई है ज्यादातर। यहाँ पे हील्स पड़ी है, कुछ कम्फर्टेबल सा ढूंढ रही हूँ। मुझे इस तरह के लाइट लाइट से अच्छे लगते हैं जूते। इसमें लाइट कलर है, स्किन टाइप कोई कलर, बस ये दो कलर है। थोड़ी सी अगर हील हो जाए, हल्की सी हील, तो वो भी चल जाएगी। ये वाला भी दिखाएं। अच्छा मुझे ये पसंद आया, सिंपल लाइट सा, जो लॉन के सूटों के साथ भी चल जाएगा। इसे डन कराते हैं। ये सारे काम करने निकली हूँ, सैलून पास में है तो अपनी आईब्रो सेट करवा लेती हूँ और भी कुछ काम करवा लेती हूँ। अपने नेल्स दोबारा से डन करवा लिए, नेल पेंट चेंज करवा के बस अब घर चलते हैं। आयरा मेरा वेट कर रही होगी। उसको ये पता है ना कि मम्मा डॉक्टर के पास गई है, मम्मा को इंजेक्शन लगना है, बस इसलिए वो टिक के बैठी है, वरना उसने टिक के नहीं बैठना था। आप रोई तो नहीं थी मेरे बगैर? रो रही थी। मैं बाजार से आ गई, मेरी हालत देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा इतना पसीना आया हुआ है। अच्छा मैंने ये नेल्स अपने थोड़े से मतलब नेल पेंट पुराना वाला उतरवा के न्यू वाला लगवाया, पाँव पे नेल पेंट लगवाया और मैंने लैशेस लगवाई। मेरा बड़े अच्छे से दिल कर रहा था परमानेंट लैशेस लगवाने का, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं टेम्परेरी वाली लगाती हूँ, चेक करती हूँ मुझ पर सूट कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद सोचूंगी कि मैंने क्या करना है। अभी फिलहाल मैं लगवा कर आई हूँ, मैं देखती हूँ कि शीशा नहीं मैंने अभी देखा, मैं देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने आप लोग को ये नहीं बताया, आज मेरी तरफ किसी ने मुझसे मिलने आना था लेकिन मैंने आप लोग को नहीं बताया कि वो कौन है, और गेस करने का टाइम नहीं गया, आप लोग गेस करने चले। मैं चल के आप लोग को मिलवाती हूँ। और ये केक भी मेरा ख्याल है वही लेके आएंगे। नाइस, तो चलिए चलते हैं। ये है वो। वालेकुम अस्सलाम। आना था आपको मेरा सरप्राइज। बहुत अच्छा लगा, बैठो। अच्छा ईमान से मिलके वाकई फील हुआ है कि ये वाकई मासूम है। इसको मैं जो बात कर रही हूँ ये कह रही है ये वाकई मासूम है, मतलब ये बनती नहीं है मासूम, ये मासूम है। इसने मुझे ये कहा है कि आप सिर्फ कैमरे में मोटी लगती हैं, वैसे तो आप पतली सी हैं, बच्ची सी लगती हैं। बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह। आज मैं गई हूँ बाहर तो लोग कह रहे हैं आप आयरा की मामा है, तो मेरी कोई पहचान ही नहीं रह गई। अच्छा ईमान नीचे बैठ के मेरा वेट कर रही है, मैं आई हूँ जल्दी से ऊपर ताकि मैं जल्दी से टाइम से तैयार हूँ, फिर चले बाहर खाना शाना खाने, क्योंकि मैं फिर से घर पे खाना नहीं बनाऊंगी, जितनी गर्मी है मैंने तो पिघल जाना है। तो बस रेडी होती हूँ, थोड़ा सा कंटेंट वगैरह बना लेंगे और थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। घर मेरा आज बिखरा हुआ है लेकिन इट्स ओके, खैर है। अच्छा ये मैंने न्यू जर्सी से लिया है ड्रेस, सर्विस से मैंने ले लिया शूज। अच्छा ये जो ड्रेस मैं लेके आई न्यू जर्सी से, मैं इसी को पहन रही हूँ, साथ में ये वाली चप्पल पहन लूंगी। बस रेडी होगी, आप लोगों से मिलती हूँ दो मिनट में। ये रही मेरी फुल लुक, बस जो मैं लेके आई थी उसे मैंने साथ ही पहन लिया क्योंकि ईमान आ गई थी, हमने वीडियोस बनानी थी, तो मैं रेडी होगी। कमेंट्स भी फुल लुक दिखा। और ये रही ईमान की फुल लुक। मेरी फिर कॉपी की है तुमने? कॉपी कह रही हूं ना। हां ये हंसेंगी, मैं भी हंसूंगी। तो बस हम लोग थोड़ी सी कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने, इससे पहले कि पसीने के साथ मेरा मेकअप उतर जाए। आयरा किसी को नहीं छोड़ती, ईमान के पीछे पड़ गई है कि ईमान आप वहाँ छुपो, मैं आपको ढूंढती हूँ। मैं क्या करूँ? छुप जाओ। ठीक है मैं छुप जाऊँ। ओके मैं भी छुप जाती हूँ, चलो आईज बंद करो। जल्दी से छुप जाते हैं। अब जी हम जा रहे हैं खाना खाने, आयरा भी जा रही है हमारे साथ खाना खाने। आयरा क्या खाओगी? आइसक्रीम रोटी। ईमान तुम क्या खाओगी? खाना। खाने में क्या खाना खाओगी? राइस। मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, वीडियो बना लूँ आपकी? बना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इनसे भी मिलो। कौन सा? ये मेरी बेटी की फेवरेट जगह है, लेकिन यहाँ पर ना पानी पानी हुआ है, शायद कोई बारिश हुई थी, ये देखें जरा। और दो बच्चे इतनी जोर से गिरे हैं यहाँ पर, आयरा उनके सारे कपड़े खराब हो गए हैं। अभी नहीं लेना ओके? हम खाना खाते हैं, हम इसके देखो आवाज आ रही है ना रोने की बच्चों की, हम खाना खाते हैं, ड्राई होने का वेट करते हैं फिर लेंगे। भागो भागो भागो।
कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट में कोई कह रहा था व्लॉग जो है ना वो सिर्फ आयरा का बनाया गया है। सारा दिन मैं आयरा को दिखाती रहूँ आयरा। हमारी मजेदार सी कढ़ाई बिरयानी सब कुछ मजे का आ गया। आयरा मुझे टिक के बैठने नहीं दे रही थी, अब खाना आया तो अब बैठी आके। शर्माओ नहीं, अपना ही घर समझो। चलो खाना स्टार्ट करो। ईमान कैसा लगा आपको मेरे हाथ का खाना? बहुत अच्छा लगा आपके हाथ का खाना। मेरे हाथ का खाना है, पहले मैं बना लेती हूँ खाना फिर मैं यहाँ पे ले आती हूँ। सच में ना ईमान वाकई में मासूम है, ऐसी तारीफ नहीं कर रही। इसके साथ आज मैंने एक दिन गुजारा है और मुझे आइडिया हुआ है, भोली भाली सी मासूम सी है, कोई भी ऐसी बात जो घुमा फिरा के की जाए वो इसको समझ नहीं आती, मासूम है। आप जितनी रियल में खूबसूरत दिखती है ना अपनी वीडियो में नहीं दिखती, बहुत छोटी सी और क्यूट सी है। छोटी सी तो नहीं लग रही मैं, लग रही वीडियो में आप इतनी हेल्दी लगती है ना, इसलिए। आपका घर भी बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छी हैं। मैं जितने भी लोगों से मीटअप किया है, जितने भी लोगों से मिली हूँ, बात की है, लेकिन उन सब में से आप सबसे ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा मुझे ना सच में ये था कि ईमान जिस तरह से बोलती है ना, मतलब थोड़ा सा बनावटी कह लो, जान के आराम आराम से बोलती है, लेकिन नहीं वो ऐसे ही बोलती है, उसका स्टाइल ही बोलने कैसा है। और हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा जरा इस तरह का है, जरा मैं चीख चीख के बोलती हूँ। बहुत अच्छा बोलती हैं आप, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना भी हमें बहुत पसंद आया है, और आइसक्रीम आपको देख के लगता भी नहीं है कि आप कुकिंग करती हैं। क्यों देख के क्यों नहीं लगता, फ्रेश रहती हूँ इसलिए। कुकिंग करने वालों का हाल देखे कैसा होता है, ऐसे बुरा हाल स्वेट आ रहा होता है, मम्मी बनी हुई होती है, आप बिल्कुल नहीं लगती। आइसक्रीम खा लें इससे पहले कि ये पूरी की पूरी पिघल जाए। ईमान मैंने तुम्हारे लिए केक भी मंगवाया था, ये वो केक है जो ईमान लेके आई है, और ये हम ईमान की ही बर्थडे पे काट लेंगे। मैं कितनी समझदार हूँ ना। हाँ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। हैप्पी बर्थडे टू यू, आप लोग भी क्लैपिंग करो सब। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ईमान, हैप्पी बर्थडे टू बहुत अच्छा लगा मुझे ईमान से मिलके। बहुत अच्छा लगा। अब आपने आना। जैसे कहा लग नहीं रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ये जैसे ही ये गर्मी वाला मौसम कम होता है ना फिर कोई प्लान कर ले। इसको देखें जरा, ये कितने मजे से केक खा रही है। तरीका देखना केक खाने का। कौन सा? ये व्हाइट कलर का केक है, ये ब्राउन है। अच्छा अंदर से ब्राउन है। आज तो बहुत मीठा खा लिया, अभी नहीं खाया जाएगा, बाद में खाएंगे। हाय अल्लाह जी, इतनी प्यारी लग रही है मुझे ये ऐसे केक खाते हुए। मन देखना जरा केक ऐसे जैसे चूहे ने नहीं खाया होता साइडों से। भाई मुझे तो लोग भूल गए हैं, लोगों को आयरा याद है। सुबह मैं सूट लेने गई, मुझे कहते आप आयरा की मामा है, और अभी गली में एक बच्चा आया वो कहता आप आयरा की मामा है। मुझे भूल गए लोग, लेकिन लोगों को आयरा याद हो गई है। आज के व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, पसीने से मेरा ना हशर नशर हो गया। अच्छा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये देखने में लग रहा है रेशमी, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो फैब्रिक जो होता है ना लॉन का, लीलन टाइप ऐसा कोई नरम सा फैब्रिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा हो गया मैं आज न्यू ड्रेस लेके आई और मैंने आज ही पहन लिया, और अच्छी सी मेरी वीडियोस भी बन गई। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।